हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। आज इस वीडियो में हम इकोनॉमी की शब्दावली में आईआईआर और सीओआर ये होते क्या हैं, इन्हें जानेंगे। इकोनॉमी समझने के लिए हमें उसकी टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये शब्द न्यूज़पेपर में अक्सर आते रहते हैं। अगर हमें इन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हमें इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दो बातों पर निर्भर करती है, निवेश दर इन्वेस्टमेंट रेट और पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो COR और ये IIR। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो। निवेश दर, इसे इन्वेस्टमेंट रेट IR कहते हैं। पूंजी निर्माण दर कैपिटल फॉर्मेशन रेट CFR भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम रेट IR भी कहते हैं। निवेश आय दर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सकल पूंजी निर्माण GFCF IIR CFR IR ये सभी शब्द निवेश दर इन्वेस्टमेंट रेट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो निवेश दर समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता कैसे है, निवेश होता क्या है। जब हम किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किराए के लिए और वहाँ पर जो मशीनरी खरीदते हैं उसके लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसी को निवेश कहा जाता है, जिससे हम कुछ उत्पादन करेंगे। हम निवेश करते हैं जिससे हमें उत्पादन होता है, उत्पादन प्रोडक्शन से लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार से हम उन्हें सैलरी देते हैं जिससे उनकी इनकम आय होती है और वो उस आय से वह बचत करते हैं और बचत करके वो जो सेव करते हैं उसे बैंकों में जमा करते हैं, फिर वहां से उसे व्यवसायी ऋण लेकर फिर से निवेश करते हैं। आप समझ गए होंगे। पहले निवेश होता है, उसके बाद प्रोडक्शन होता है, फिर उससे रोजगार मिलता है, रोजगार से लोगों को आय मिलती है, आय में वो कुछ बचत करते हैं और उस बचत को वो फिर से इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो हम समझ लेते हैं निवेश दर होती क्या है। निवेश दर के लिए जब एक एम्प्लॉई को सैलरी मिलती है तो वो अपनी सैलरी का, मान लीजिए किसी एम्प्लॉई को 1000 सैलरी मिलती है तो वह अपनी सैलरी का 400 रुपये निवेश करता है, 400 रुपये सेव करता है और 600 रुपये 400 रुपये निवेश करता है और 600 रुपये खर्च कर देता है। तो यह जो 400 रुपये एम्प्लॉई जो 400 रुपये बचाता है इसे ही हम निवेश दर कहते हैं, IIR। इसे ही हम निवेश दर कहते हैं। कोई एम्प्लॉई अपनी सैलरी का 40% निवेश करता है और यह वह किसी बैंक में जमा करेगा, वहां से कोई व्यवसायी कर्ज लेगा, वह फिर से निवेश करेगा। तो ये जो 40% है इसे ही हम निवेश दर कहते हैं, IIR, IIR, CFR, IR और GFCF। आपको ये समझ में आ गया होगा। इस समय भारत में GDP का, हमारी देश की आय को GDP कहते हैं और GDP का लगभग
इस समय 27% निवेश किया जाता है। हमारी जितनी जीडीपी है उसका 27% निवेश हो रहा है, तो हमारे देश का निवेश दर इस समय लगभग 27% है। अब जान लेते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है। पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसे COR भी कहते हैं, एक इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की जितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है उसे ही पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक इकाई उत्पादन के लिए हमें जितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है उसे ही पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। हम इसे समझ लेते हैं, होता क्या है। मान लीजिए किसी व्यवसायी ने, किसी उद्योगपति ने 100 रुपये का निवेश किया और जिससे निवेश के बाद 100 रुपये का निवेश किया और वह उससे 25 रुपये का उत्पादन किया, तो हमारा COR होगा 100/25 बराबर 4%। हमारा COR 4% होगा। इसे हम इस चित्र से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें एक कंपनी बनानी है, हमें एक पिज्जा की शॉप खोलनी है, तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा और उसके एक बनाने के लिए एक कुक और एक एक दुकान भी चाहिए होगी जहाँ पे हमें पिज्जा बेच सके। तो इसके लिए जब हम पिज्जा की शॉप खोलेंगे तो उससे जब हम पिज्जा की शॉप खोलेंगे तो उससे हम मान लीजिए हमने 100 रुपये का निवेश किया, तो हम ए पहले साल हमने 100 रुपये का निवेश किया और उससे हमने 25 रुपये की पिज्जा की बिक्री हुई, तो जो हमारे 75 रुपये हमने लगाए तो 100 रुपये थे पहले साल, लेकिन हमें मिला कितना, 25 रुपये। जो हमारे 75 रुपये हमें नहीं मिले हैं वो इन मशीनरियों में, दुकान में, और हमने जो सामग्री खरीदी है ये इन सामग्री में अभी है, तो यह हमें अगले साल भी काम देगी। सी और के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये निवेश किया जिससे हमें 25 रुपये प्राप्त हुए, तो इससे हमारा COR आया 4%। और मान लीजिए हमने दूसरे साल 200 का निवेश किया और दूसरे साल हमने कुछ अच्छे, थोड़ी फैसिलिटी अच्छी कर दी, क्वालिटी अच्छी कर दी अपने पिज्जे की, तो वो ज़्यादा बिक्री हुई उससे, तो उससे हमें 100 रुपये का लाभ हुआ। हमने 200 रुपये इन्वेस्ट किए, 100 रुपये का लाभ हुआ, तो ये 2% आएगा। तो हमें एक पिज्जा बनाने के लिए 2 रुपये की, एक पिज्जा बनाने के लिए 2 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ रही है और यहाँ पर 4 रुपये पड़ रही है, तो हमें जितनी कम कॉस्ट पड़ेगी वह हमारे फायदे में होगा। अगले साल हमने एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले साल हम मान लीजिए 400 रुपये निवेश करते हैं और हमें 50 रुपये ही मिलते हैं, तो इससे हमारा COR कितना होगा, 8 होगा। एक यूनिट बनाने के लिए हमें 8 रुपये लग रहे हैं और इस साल में हमें 2 रुपये लग रहे हैं और पहले साल हमें 4 रुपये लग रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए जितनी कम कॉस्ट लगेगी वह हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। तो हमें COR अपना कम रखना चाहिए। COR जितना कम होगा देश की आय में उतनी ही वृद्धि होगी। आप ये समझ गए होंगे, COR जितना कम होगा देश की आय में उतनी ही वृद्धि होगी, और निवेश ज्यादा होना चाहिए। जितना निवेश होगा उतना ज्यादा ही जितना निवेश होगा उससे लोगों को उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा,
हमारे देश की इस समय 27% हमारी जीडीपी का लगभग 27% निवेश हो रहा है, और हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो 4.2% है, और इससे हमारा सीओआर इस समय लगभग 6% है। तो ये कम होना चाहिए, लगभग 3 से 4% में अगर हमारे भारत देश की सीओआर होगा तो यह हमारी जीडीपी के लिए, हमारी आय वृद्धि के लिए लाभदायक होगा। तो इसे हमें सीओआर को कम करना चाहिए और निवेश दर को आईआईआर को ज्यादा रखना चाहिए और सीओआर को कम रखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे सीओआर होता क्या है। एक बार और देख लेते हैं, सीओआर होता क्या है। मान लीजिए हमें हम निवेश करते हैं 100 रुपए का, 100 नहीं, मान लीजिए हम 400 रुपए का निवेश करते हैं, उससे हमें 100 रुपए प्राप्त होते हैं। हमने 400 रुपए का निवेश किया, 100 रुपए प्राप्त हुए, तो हमारी एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितने रुपए लग रहे हैं इस समय? 4 रुपए। तो हमारे जो हमें 100 रुपए प्राप्त हुए और हमारे जो 300 रुपए हमें नहीं मिले हैं, वह हमारी मशीनरी में या फिर हम जो सैलरी दे रहे हैं, जो हमने सामान खरीदा है, जो किराया दे रहे हैं, जो हमने दुकान का जो किराया दे रहे हैं, वो जो 300 रुपए हैं वो वहां पर खर्च हो रहे हैं, जो अगले साल भी हमें काम देंगे। तो आप समझ गए होंगे सीओआर होता क्या है। आईआईआर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, निवेश दर हमेशा ज्यादा हो और पूंजी उत्पाद अनुपात हमेशा कम होना चाहिए। इससे हमारे देश की ग्रोथ अच्छी होगी। सीओआर को कम कैसे करें? सीओआर इस समय हमारा लगभग 6% है, तो हम इसे कम कैसे करें? इसके लिए हमें लोगों को स्किल करना होगा। गुड गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी सरकार होनी चाहिए, जिससे वो अच्छी सड़कें बनाए, यातायात के सुविधाएं अच्छी करे, इनोवेशन लाए, नवीनता लाए, हर चीज में इनोवेशन करे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अच्छी रोडें, पानी, बिजली की सुविधा अच्छी होगी, तो जब कोई निवेश करेगा तो उसे प्रोडक्शन करने में आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट सस्ती होनी चाहिए, निवेश सस्ता हो, लेबर लॉ आसान होने चाहिए, लेबर लॉ आसान होने चाहिए, श्रम कानून, इंसॉल्वेंसी लॉ, दिवालिया कानून अच्छे होने चाहिए, जिससे हमारा सीओआर कम होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।